कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन शबनमी, ठीक है। एकदम सिल्क बोटी रहती है ये, और इसमें मानो जैसे कांदा टमाटर ये दो चीज नहीं जाते, और बहुत अच्छी एक मसाला बनता है, ठीक है। और ये किस तरह से बनाते हैं और क्या क्या मसाला इसमें जाता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। चलो पहले तो देखो, ये मैंने एक चम्मच फुल भर के नमक लियो। ये मेरी क्वांटिटी पूरी 75 ग्राम की चिकन की है, ठीक है। ये एक चम्मच फुल भर के मैंने नमक लियो, और ये आधा चम्मच हल्दी है, धनिया पाउडर भी एक चम्मच फुल है, ये लाल मिर्ची पाउडर भी एक चम्मच फुल है, ठीक है। और ये फूड कलर ऑप्शनल है, कलर के लिए, ठीक है। और ये आधा टीस्पून मैंने गरम मसाला ली हूँ जो होममेड है, वैसे तो जाता नहीं है इसमें, लेकिन मैं डाल रही हूँ। थोड़ा डालेंगे ना टेस्ट इससे और अलग आता है, ठीक है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डेढ़ चम्मच फुल भर के है, ठीक है। और ये कुछ लहसुन के दो ऐसे डलिए थे तो मैंने इस तरह से कूट के ली, ठीक है। और ये 15 से 16 बादाम है, और ये 2 चम्मच कोकोनट पाउडर है, और ये 20 से 25 मेरे पास काली मिर्ची, ठीक है। जो काली मिर्च है हमारा ब्लैक पेपर बोलते हैं ना वो है, ठीक है। ये अमूल बटर, वैसे ये डिश है, घी भी डालते हैं इसमें, बटर में बनाते हैं। और ये दही है, दही मेरा ये 150 ग्राम है, लेकिन खट्टा है इसलिए मैंने कम लियो। और इसमें नींबू भी जाता है, वैसे डिश ऐसे भी ये खट्टी ही रहती है, ठीक है। अब पहले तो हम लोग इसका पाउडर बना के लेंगे, या फिर अगर ऐसे पाउडर नहीं बन रहा है तो एकदम क्रीमी दूध डाल के पेस्ट भी बना के देखो। ये मैंने मसाला बना के लिए, ठीक है, इस तरह से एकदम बारीक पेस्ट बनाने का, ठीक है। जो खोपरा और बादाम और काली मिर्च ली थी ना मैंने, इसका इसको साइड में रख देती हूँ अभी। और अभी ये जो मैंने चिकन ली हूँ ना 750 ग्राम, ठीक है, अभी इसको ये सब मसाले जो हम लोग ने लिए थे ये सब मसाले लगा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा दही भी इसको लग जाएगा, पूरा दही भी इसी को लगाएंगे हम लोग। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और इसमें 2 नींबू का रस भी जाएगा। इसको हाथ से मैं अच्छे से, इसमें 2 नींबू का रस भी डालूंगी मैं, और इसको पहले हाथ से अच्छे से लगा के लिए। देखो इसको मैंने पूरा मसाला लगा दी, ठीक है, दही भी लगाई, नींबू भी, सब इसको अच्छे से लगा के हाथ से मिक्स करके इसको साइड में रख देने का। इसको कोई मैरिनेशन ऑन नहीं करने का, ठीक है, इसे काफी वक्त ऐसा रखने का ऑन कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई हूँ, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग ये जो बटर ली ना मैंने आपको दिखाई थी, बटर डालूंगी, आधा डालूंगी, आधा मैं बाद में तेल डाली हूँ मैंने पहले से, क्योंकि हमारा बटर जले ना करके, ठीक है। और ये जो मैंने आपको लहसुन बताई थी कुटा हुआ, इसको अच्छे से इसमें भून के लेंगे, ठीक है। इसमें कड़ी पत्ता भी जाएगा, जो कड़ी पत्ता मैंने आपको नहीं दिखाई है, और ज्यादा जाएगा कड़ी पत्ता हमारा लहसुन के साथ, चिकन के साथ हमारा कड़ी पत्ता अच्छे से खुशबू छोड़ेगा, ठीक है। इसको अच्छा कोई मतलब कलर नहीं लाने का, इसको खाली 1-2 मिनट क्रिस्पी हो तक हमारा कड़ी पत्ता भून लेने का बस, थोड़ा सा लगे इसमें चिकन जाएगा। ये माशाल्लाह इतनी अच्छी डिश बनती है, आप एक बार बना के देखो, ज्यादा कोई मसाला भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अरे बस हो गया, ये एक खुशबू आने लग जाएगी आपको कड़ी पत्ते की, और जो लहसुन हमने डाले ना उसकी, ठीक है, वो खुशबू आने लगी ना तो हम लोग ये चिकन जो हमने लिए ये पूरा डाल देंगे इस पैन पे, ठीक है। ये मसाला भी हम लोग पूरा डालेंगे, क्योंकि हमने कोई मसाला जैसे कांदा हो टमाटर हो तो इस्तेमाल नहीं किया ना, तो ये ग्रेवी इसी की रहेगी, कोई अगर आप ग्रेवी रखना चाहेंगे तो इसी की रहेगी, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे हम लोग, देखो इसको मैंने अच्छे से मिक्स करी हूँ, ठीक है। अब इसको इसी तरह से हम लोग ढक के, हमारा चिकन भी गलाने का है और इसको भूनना भी है। अब इसको थोड़ा पानी छोड़ने देंगे, जैसे दही का और चिकन का हमारा पानी छूटेगा, उसी में हमारा चिकन भी गलेगा और भुना भी जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी बीच बीच में, इसको कम से कम इसे 10 से 15 मिनट रखना है, और बीच बीच में आपको चम्मच हिलाना है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, भूनना है इसको, ठीक है। मैं इसको 10 से 15 मिनट देती हूँ।
देखो इसको मैंने भूनते भूनते इसको 10 से 15 मिनट हो गए। अब इसको खोल देते हैं। देखो माशाल्लाह से मैंने बटर और ऑयल डाली थी ना, तेल हमारा माशाल्लाह से अच्छा निकल के आया। ठीक है, और जितना अभी पूरे तरीके से चिकन तो गला नहीं है और इसको 10 मिनट और जाएंगे। अभी ये जो मैंने मसाला ली थी ना, जो कोकोनट का इसका पेस्ट बना के ली थी ना, काली मिर्च और बादाम, ठीक है, इसको भी हम लोग डाल दें। अब इस पे आपको डिपेंड करता है कि आपको कितनी ग्रेवी रखना है या फिर जैसे आपको एकदम सूखा करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिक्विड में रखूंगी, ग्रेवी टाइप में रखूंगी। अभी इसको मैं 6-7 मिनट और पकाऊंगी क्योंकि चिकन तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है मेरा। ठीक है, ये देखो माशाल्लाह से, देखो अभी इसको 6-7 मिनट और छोड़ दूंगी क्योंकि हमने जो अभी जो मसाला डाले ना वो भी अच्छा भुना जाए और हमारा चिकन के साथ अच्छे से चिकन में भी उसकी ग्रेवी आ जाए, टेस्ट आ जाए। देखो ये मेरे सिल्क शबनमी बोटी बन के रेडी हो गई माशाल्लाह से, देखो। ठीक है, इतनी ही ग्रेवी रखूंगी मैं क्योंकि इतना गरम गरम तो खाया नहीं जाएगा ना, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा और हम रखेंगे ना तो ये ठंडी हो जाएगी और मतलब गाढ़ी हो जाएगी, सॉरी ठंडी हो जाएगी ना, गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए मैं इतनी पतली ग्रेवी रख रही हूँ। अगर आपको भी रखना है तो इसी तरह से रखना है, ठीक है ना, तो फिर हम लोग कैसा थोड़ा सा और इसमें सुखाएंगे पानी तो जैसा और घट हो जाएगा। तो अभी मैं ये थोड़ा सा बटर बचा था ना मेरा, ये पूरा डाल रही हूँ मैं। ठीक है, अब भी डाल के मिक्स करने का और इसको हरा धनिया डाल के आपको ये हरा धनिया थोड़ा सा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आ रही होंगी, पसंद आ रही होंगी तो उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपनी फैमिली और दोस्तों में भी शेयर करो। और आपको कोई नई डिश चाहिए तो मुझे कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।